6.5 इसका टर्किश स्टाइल का बेड आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक जंबो साइज की 4 डोर की इसके अंदर आपको एक वार्डरोब मिल जाएगी, एक इसके अंदर आपको एक डिवाइडर मिल जाएगा 4 डोर का, तकरीबन ये भी 4 डोर का डिवाइडर है फुल जंबो साइज का, और एक आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगी। और इसके अंदर तमाम टर्किश स्टाइल का कुशनिंग का काम किया गया है, गोल्डन एक्रेलिक का एज अ स्टोरेज बॉक्स भी आप इसे एज अ स्टोरेज बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सेटी है, ठीक है, सेटी भी अटैच हुई भी नहीं है इसके अंदर, आप एज अ स्टोरेज बॉक्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी आपका गैर ज़रूरी सामान आपका इसके अंदर आ सकता है। इसको मैं ऐसे खोल के दिखाऊं अंदर से, तो फोल्डेबल शेल्फ्स हैं, 1-2 फोल्डेबल शेल्फ्स हैं, हाइड्रोलिक इसके अंदर कब्जे लगे हुए हैं, एक ड्रॉज मिल जाएगा। ड्रॉज की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ड्रॉज के अंदर एक और खुफिया ड्रॉज मिल जाएगा आपको, ड्रॉजेज मिल जाएंगे इस तरीके से, ये ड्रॉजेज होते हैं, ऐसे अंदर चले जाएंगे, आपका गैर ज़रूरी सामान इसके अंदर आ सकता है। ऐसा लग रहा होगा कि ये मिरर है, लेकिन मिरर के पीछे जो है ना इसके आपका स्टोरेज बॉक्स है कि आपका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है एहतिशाम जंजुआ। व्यूअर्स काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी एहतिशाम भाई मक्का फर्नीचर पे जाएं और वहाँ पे जो न्यू डिज़ाइन आया हुआ है वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, इस वक्त शादियों का सीज़न पीक पर है और मक्का फर्नीचर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि आपको टाइम पर बना कर देती है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है शादियों के सीज़न में फर्नीचर बहुत लेट हो जाता है, लेकिन मक्का फर्नीचर आप लोगों को इंशाल्लाह ऑन टाइम बना कर देगा, 1 से 2 दिन पहले रेडी करके आपको चेक करवाएगा कि इसमें मज़ीद कुछ भी कस्टमाइजेशन आप लोगों ने वानी है तो वो आप अभी बता दें। और इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है कि अगर कोई आपका ले जाते हुए कहीं से स्क्रैच आ जाता है, कोई छोटा मोटा मसला आ जाता है, तो वो भी इनकी टीम जाती है, इनकी लेबर जाती है वहाँ पे, घर पे ही सेट करके आती है वो वाला फर्नीचर आप लोगों का, जो भी फर्नीचर में मसला होता है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की इस वीडियो में, हम आपको 4 पीस का बेडरूम सेट दिखाएंगे टर्किश स्टाइल का, और इसके अंदर एक सेटी भी होगी, जंबो साइज का डिवाइडर है, ड्रेसिंग टेबल है, इसके अंदर एक अलमारी है, 4 पीस का ये बेडरूम सेट है। सबसे अच्छी बात ये है इस बेड की कि इसके अंदर आपको स्टोरेज बॉक्स के 2 ड्रॉज़ मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अपना गैर जरूरी सामान रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जिब्रान भाई, इनसे मैं आपकी बात करता हूं। जिब्रान भाई अस्सलाम वालेकुम। जिब्रान भाई कैसे हैं? ठीक है जिब्रान भाई, माशाल्लाह हर दफा एक नया डिजाइन ही लेकर आते हैं मार्केट से हटके, आज भी एक नया डिजाइन ही लेकर आया, मैं भी फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूं इस तरह के डिजाइन, ये कुशनिंग का कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये बताएं कि कैसा फीडबैक है कस्टमर की तरफ से? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, हमारे व्यूअर्स की तरफ से अच्छा रिस्पांस है। सिर्फ कराची वाले रابطہ करते हैं या पूरे पाकिस्तान से? रابطہ तो पूरे पाकिस्तान का हो रहा है, लेकिन ये है कि कराची वालों के लिए, कराची वालों के लिए जो है ना आपने दरवाजे खोले हैं, बाकियों के बंद किए हुए? नहीं नहीं, जैसे पंजाब वालों का कोई बंदा या अच्छा यहाँ पर मौजूद है तो हवाले करते हैं फर्नीचर, उनकी अपनी जिम्मेदारी पे ले जाए, ऑनलाइन ना पैसे मंगाते हैं ना फर्नीचर भेजते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई धोखा फ्रॉड का मामला हो ना, मतलब उनका कोई बंदा है यहाँ पे, हम पैकिंग करके सब कुछ करके ट्रक अड्डे पे उनके रेट मालूम करवा के पैकिंग करके उनके हवाले कर। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ का मुकम्मल एड्रेस बता दें अगर कोई गरीबाबाद से आने वाले आएंगे तो ऐसे सन स्क्वायर सिविक सेंटर राइट साइड पर रोड टर्न होगी, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की तरफ रोड जा रहा है, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट, ठीक है। और अजीजाबाद से आने वाले आएंगे वो पहले फूड स्ट्रीट को क्रॉस करेंगे फिर अपना ये बढ़िया। टाइमिंग क्या होती है? सुबह 11 से अस्पताल के बराबर 12 बजे से रात 8 बजे तक, 12 से 8 बजे संडे वगैरह 7 डेज ओपन होता है। ठीक है, तो व्यूअर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको मैक्सिमम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं इसके बेड की बात करूं तो 6.5 इसका टर्किश स्टाइल का बेड आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक जंबो साइज की 4 डोर की इसके अंदर आपको एक वार्डरोब मिल जाएगी, एक इसके अंदर आपको एक डिवाइडर मिल जाएगा 4 डोर का, तकरीबन ये भी 4 डोर का डिवाइडर है फुल जंबो साइज का, और एक आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूँ बेड की, तो बेड की जो हेडबोर्ड है उसकी हाइट तकरीबन 4.5 फीट की इसकी हेडबोर्ड की हाइट है, और इसके अंदर तमाम टर्किश स्टाइल का कुशनिंग का काम किया गया है, गोल्डन एक्रेलिक का इसके अंदर काम किया गया है जो कि ना काला पड़ता है ना डिम होता है। साइड टेबल्स की बात करूं तो साइड टेबल्स इसकी हाइट के मुताबिक हैं, 2 इसके अंदर आपको ड्रॉजेज मिल जाएंगी जंबो साइज़ की, 1 और ये 2, ठीक है। और अगर मैं इसकी साइड्स की बात करूं तो साइड्स बिल्कुल पैक हैं, आप इसको एज अ स्टोरेज बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सेटी है, ठीक है, सेटी भी अटैच हुई हुई नहीं है इसके साथ, बिल्कुल अलग है कि आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आप एज अ स्टोरेज बॉक्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आपका गैर ज़रूरी सामान आपका इसके अंदर आ सकता है। हाइड्रोलिक इसके अंदर कब्जे लगे हुए हैं, कुशनिंग का इसके अंदर काम किया गया है, अगर आप इसको बैठने के लिए यूज़ करना चाहें तो 2 से 3 बंदे ईजिली इसके ऊपर बैठ सकते हैं। फॉर्मिंग मल्टी फॉर्म का इसके अंदर काम किया गया है, फ्रंट पे भी इसके 2 इस तरीके से ब्लॉक्स दिए गए हैं टर्किश फैब्रिक के कुशनिंग के, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपको 2 ड्रॉज़ मिल जाएंगे इस तरीके से, ये ड्रॉज़ होते हैं ऐसे अंदर चले जाएंगे, आपका गैर ज़रूरी सामान इसके अंदर आ सकता है, स्टोर कर सकते हैं आप इसके अंदर। ये साइड टेबल भी सेम वैसा ही है साइड टेबल। इसके मैं डिवाइडर की बात करूँ तो ये 4 डोर का डिवाइडर है, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक हो गया। ये डिवाइडर है इसका, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, 16 इंच की इसकी गहराई है, काफ़ी सारे बर्तन आपके इसके अंदर आ सकते हैं। और नीचे आपको 2 ड्रॉज़ मिल जाएंगे जंबो साइज़ के, 1 और ये 2,
दो डोजेज मिल जाएंगे इस साइड पे आपको, ठीक है। और अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूँ तो फुल गोल्डन एक्रेलिक की पट्टी का काम किया गया है इसके अंदर, फ्रंट पे भी, साइडों पे भी। और अगर मैं इसके ड्रेसिंग टेबल की बात करूँ तो साइड देखें, चेक करें ड्रेसिंग टेबल इसकी कितनी खूबसूरत है कि फ्रंट पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मिरर है, लेकिन मिरर के पीछे जो है ना इसके आपका स्टोरेज बॉक्स है कि आपका काफ़ी सारे कॉस्मेटिक परफ्यूम्स वगैरह कुछ भी आप रखना चाहें, स्टोर करना चाहें तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। LED लाइट का इसके अंदर काम किया गया है और इसके अंदर भी गोल्डन पट्टी का काम किया गया है जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी। साइड्स की बात करूँ तो साइड्स इसकी आप शोपीस वगैरह कुछ भी परफ्यूम्स वगैरह रख सकते हैं। और अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूं तो एक आपको यहां पे कैबिनेट मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एक आपको ड्रॉज मिल जाएगा, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, काफ़ी सारा इसके अंदर आपका सामान आ सकता है। 4 फीट की ये डिवाइडर, 4 फीट का ये ड्रेसिंग टेबल है हमारा। अगर मैं इसकी अलमारी की बात करूँ ना तो अलमारी भी इसकी फोर डोर्स की है, 7 फीट इसकी तकरीबन, 7 फीट ऐसे हैं और तकरीबन 6.5 फीट ऐसे है, ठीक है। फ्रंट पे इसके वही कुशनिंग का काम किया गया है जैसे बेड पे हुआ हुआ है, जैसे इसकी सेटी पे हुआ हुआ है। फ्रंट डोर की मैं बात करूँ इस तरीके से, इसको मैं ऐसे खोल के दिखाऊँ अंदर से, तो फोल्डेबल शेल्फ्स हैं, एक, दो फोल्डेबल शेल्फ्स हैं, हाइड्रोलिक इसके अंदर कब्जे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सेंटर डोर डबल डोर है, देखें इस तरीके से कि आपके काफ़ी सारे इसके अंदर कपड़े वगैरह आ सकते हैं। हैंगर रोड इसके अंदर जो है वो SS का लगाया गया है, अच्छी क्वालिटी का, और पार्टेक्स की इसके अंदर शीट का काम किया गया है। अंदर इस तरीके से चटकनियाँ लगी हुई होती है कि जब आप इसे ऐसे बंद करेंगे ये एक इस तरीके से डोर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर इसकी मैं गहराई की बात करूँ तो गहराई इसकी है 24 इंच की, ठीक है। और ये आ जाता है हमारा चौथा डोर, ठीक है। एक, दो फोल्डिंग शेल्फ्स हैं, यहाँ पे आपको एक ड्रॉज मिल जाएगा। ड्रॉज की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ड्रॉज के अंदर एक और खुफिया ड्रॉज मिल जाएगा आपको। इसके अंदर इस तरीके से चाबी होती है, ये चाबी होती है, इसको आप ऐसे लॉक भी कर सकते हैं, ये लॉक हो गया। अब आप इसे खोलेंगे और इस तरीके से आप इसे दो ड्रॉज जैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। इसे हम वापस बंद कर देते हैं, ठीक है। गहराई इसकी 24 इंच है, यहाँ पे भी वही कुशनिंग का काम किया गया है। मज़ीद कलर्स यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, टर्किश फैब्रिक के भी कलर्स आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा पार्टेक्स के कलर्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आप ये बनवाना चाहते हैं अर्जेंट बेसिस पे, तो अर्जेंट बेसिस पे भी ये तैयार हो जाता है, जिसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो 10 से 15 दिन में बन जाता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर 4 से 5 दिन के अंदर भी आपको ये बना कर दे देंगे। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो मार्केट वैल्यू है तकरीबन इसकी जो इनकी प्राइजेज हैं यहाँ पे वो 195 है, लेकिन हमारे रेफरेंस के लिए 185 में ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर ड्रॉजेज नहीं लेते तो 165 में ये आपको विदाउट ड्रॉजेज ये वाला बेडरूम सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैक्सिमम दूसरे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स इस डिज़ाइन से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे जिब्रान साहब होते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले भी इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे अगर आते हैं रेफरेंस से हमारे तो जिब्रान साहब कुछ मज़ीद डिस्काउंट वगैरह, बाकी पैकिंग शेकिंग में, डिलीवरी शिलीवरी में भी कुछ फेवर मिल जाएगा। गाड़ी अपनी होती है यहाँ पे, सब हो जाएगा, करवा देंगे गाड़ी, ठीक है। और वही पहले वाली बात, पहले मार्केट सर्च करो फिर आपके पास आए भाई। इनकी पिक्चर कहीं भी लेकर चले जाएँ, आपको जो रेट दिए हैं इन्होंने ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रेट दिए हैं, फैक्ट्री रेट दिए हैं, क्योंकि इनके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं। इंशाल्लाह वो भी हम आपको विजिट करवाएंगे जिब्रान भाई, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। हाँ, पुरानी हमने वीडियोस में दिखाई है, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आपको मेरे चैनल पर इनकी फैक्ट्री का विजिट हमने करवाया था, आपको मिल जाएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।